नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और मेरे चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील करता हूं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिख देंगे, नीचे विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए होंगे। फिर उसके बाद पाँच कॉलम बना लीजिए, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित कीजिए जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उस कक्षा के नीचे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं विषय के नीचे जो कालांश होगा उसको यहाँ लिख देंगे, और जो अवधि होगी उसको आप यहाँ लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा जाएगा प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है बाल लीला, ये सूरदास के द्वारा लिखी गई बाल लीला है दोस्तों। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में देखिए, नंबर एक, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर दो, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर तीन, बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना। नंबर चार, बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। नंबर पाँच, बच्चों को कविता का रसास्वादन करवाना। सामान्य उद्देश्य के बाद दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या है दोस्तों। नंबर एक, बच्चे श्री कृष्ण के बाल रूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर दो, बच्चे श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से भैया बलराम की उलाहना देने के दृष्टांत का रसास्वादन करेंगे। नंबर तीसरा, बच्चे सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप के मनोहारी वर्णन का रसास्वादन करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि तथा व्याख्यान विधि। इसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाता हुआ चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद दोस्तों आएगा पूर्व ज्ञान। यहाँ देखिए पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा, बच्चे श्री कृष्ण तथा कंस को कहानियों में सुन चुके हैं तथा उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में आप तीन कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। आप अब यहाँ बच्चों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, मथुरा के राजा कंस की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? छात्र बताएंगे श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण का बचपन कहाँ गुजरा था? छात्र बताएंगे गोकुल में। अगला प्रश्न ही बना लीजिए, गोकुल में किसके यहाँ बीता? छात्र बताएंगे यशोदा और नंद। अगला प्रश्न, यशोदा जी को श्री कृष्ण क्या मानते थे? छात्र बताएंगे माता। अगला प्रश्न ही बना लीजिए, माता यशोदा जी से श्री कृष्ण जी कैसी उलाहना देते थे? मौन हो जाएंगे छात्र, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग बाल लीला नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में देखिए यही कविता है, मया मोहिदाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल कौलिनो, तू जसुमत कब जायो, कहा करो यही ऋष के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात, तू मोही कौ मारन सीखी, दावों कबहु न खीझें, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमति सुनि सुनि रीझें, सुनौ कान बलभद्र चबाई, जनमत ही कौ धूत, सूर्य श्याम मोहि गोधन की, सौ हौ माता तू पूत। आगे देखिए, जसोदा हरिपालन झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल कौ आउ निदरिया, काहेन आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो कौ कान बुलावे, कबहू पलक हरी मूद लेत है, कबहू आहार फरकावे, सोवत जानी मौन है, कह रही करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमत मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नद भागी नि पावे। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक द्वारा उचित लय आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, कविता का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण में दो कॉलम बनाएंगे, शब्द और अर्थ। यहाँ शब्द में कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। शब्द खिझायो चिढ़ाना, जायो पैदा किया, तात पिता, खीझें डांटना, चबाई चुगली करने वाला, धूत चालाक, हलरावे बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना, मल्हावे चुप कराना, पुचकारना, बेगही शीघ्र,
तो कहो तुमको फरकावे हिलाना सैन इशारा भागिनी पत्नी इति अंतर इसी बीच गात शरीर रिस क्रोध रीझ अत्यंत प्रसन्न गोधन की सौ गोवर्धन पर्वत की सौगंध हाँ मैं अमर कभी न मरने वाला। सस्वर वाचन कतिपय छात्रों के द्वारा कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। फिर भाव विश्लेषण एवं रसानुभूत दो कालम बनाएंगे छात्राध्यापक कथन छात्र कथन। प्रश्न करेंगे श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं छात्र बताएंगे दाऊ। अगला प्रश्न श्री कृष्ण से दाऊ क्या कहते हैं छात्र मन जाएंगे व्याख्या करेंगे। अब श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया दाऊ बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं मुझसे कहते हैं कि तुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया है तू तो मोल का लिया हुआ है मैं क्या करूं इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूं। बार बार मुझसे कहते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है यशोदा और नंद जी तो गोरे रंग के हैं फिर तू श्याम रंग का उनका पुत्र कैसे हो सकता है। सभी ग्वाल बाल ताली बजाकर हंसते हैं और नाचते हैं। प्रश्न श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि तू सिर्फ मुझे ही मारती हो दाऊ को नहीं मारती तो यशोदा जी क्या कहती हैं छात्र मौन हो जाएंगे व्याख्या में बताएंगे। यशोदा जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे ही मारती हो दाऊ बलराम को कभी नहीं डांटती हो। श्री कृष्ण के मुख से यह क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा बहुत रिझ जाती हैं उन पर बलिहारी होती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण सुनो बलराम चुगलखोर है और जन्म से ही चालाक है अरे श्याम मैं गौधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र। प्रश्न यशोदा जी श्री कृष्ण को किसमें झुला रही हैं पालने में। अगला प्रश्न यशोदा जी क्यों भाग्यशाली हैं छात्र में मौन हो जाएंगे अब व्याख्या बताएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा भगवान विष्णु के बाल रूप श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं कभी वे पालने को हल्का सा हिलाती हैं कभी कृष्ण को प्यार से करती हैं और चूमती हैं वह मन में जो आए सो गाती हैं लेकिन कन्हैया को तब भी नींद नहीं आती इसलिए यशोदा नींद को उलाहना देती हैं कि अरे निधिया तू आकर मेरे लाल को क्यों नहीं सुलाती तू शीघ्रता से क्यों नहीं आती तुझे कान्हा बुला रहा है कभी कान्हा आंखें मूंद लेते हैं कभी होठ फड़काने लगते हैं जब कान्हा ने नयन मूदे तो यशोदा उन्हें सोया मानकर चुप हो जाती हैं और गोपियों को इशारे से चुप करने को कहती हैं। इसी समय श्री कृष्ण पुनः कुलमुलाने लगते हैं और यशोदा फिर से मधुर लोरी गुनगुनाती है। सूरदास जी कहते हैं कि सचमुच नंद की पत्नी यशोदा बहुत भाग्यशाली है क्योंकि ऐसा सुख तो देवताओं और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। आदर्श वाचन छात्राध्यापक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न नंबर एक यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुलाती है। नंबर दो वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नंबर तीन दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं। श्यामपटकार छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपटकार कापी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षणकार जब छात्र श्यामपटकार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से कौन कौन सी बातें सुनकर प्रसन्न हो रही हैं। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक। इसी के साथ दोस्तों ये लेसन प्रांत समाप्त होता है। एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि